हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी सीजीपीएससी के नोटिफिकेशन के ऊपर। सीजीपीएससी का जो नोटिफिकेशन आया है, एग्जाम डेट जो कि आपके 9 फरवरी ऑलरेडी डिसाइडेड है, मेन्स का भी डेट डिसाइडेड है, कुछ प्लानिंग, कुछ स्ट्रेटजी, क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, किससे प्रश्न आता है, कितना कट ऑफ मार्क्स गया था लास्ट टाइम, वो सारे चीज़ें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो जो है वो पूरा का पूरा फैक्चुअल है, हम फैक्ट्स पे ही बात करेंगे। कोई ऐसे नहीं कि एक अजम्पशन लेके चल रहे कि इतना होगा या इतना होना चाहिए, ये सब बकवास की बातें नहीं करेंगे। जितने भी फैक्ट्स जो सीजीपीएससी का 4-5 साल से जो चलते आ रहा है, जिस तरीके से उसका एग्जाम का ट्रेंड रहा है, उस पर हम आज थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, समझिएगा, सबसे पहले जो आपका टारगेट सीजीपीएससी 2019, हमारा जो पीएससी है वो एक साल पीछे चलता है, आप सभी को मालूम होगा। एग्जाम हो रहा है 2020 में, लेकिन ये आपका पीएससी प्री 2019 है। नंबर ऑफ पोस्ट जो निकले हुए हैं वो है आपके 199, लगभग 200 के आसपास आपके पोस्ट निकले हुए हैं, 199 पोस्ट है आपके। ठीक, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये पोस्ट आगे बढ़ सकते हैं, आगे और भी इस पर कुछ पोस्ट ऐड होंगे, नहीं होंगे, ठीक है, वो बात की बात है, उसको आगे देखेंगे हम लोग। लेकिन फिलहाल अभी 199 पोस्ट के साथ पीएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया है। बात यह आती है कि अब मेंस के लिए कितने स्टूडेंट अपेयर होंगे। जितने भी पोस्ट पीएससी निकालता है उसके 15 गुना लोगों को मेंस के लिए आपके सेलेक्ट करता है। यानी अगर हम 199 का 15 गुना करें तो 199 का जो 15 गुना है वो होगा आपका 2985। जो आपका 199 का जो 15 गुना है वो होगा आपका 2985। यदि हम 200 के हिसाब से देखें तो 15 गुना लगभग 3000 लोग आपके मेंस में अपेयर होंगे। ठीक, देखिए, ये जो आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट जो मेंस देंगे, ये जो इसका जो काउंटिंग है, इसके ऊपर सारा का सारा आपके कट ऑफ मार्क्स डिसाइडेड रहता है। ठीक, कट ऑफ मार्क्स इसी के आधार पर बढ़ता घटता है और पेपर्स के ऊपर भी होता है, उसको हम आगे देखने वाले हैं। ठीक, अब समझिएगा, जो पेपर्स है, जो आपको, जैसे देखिए, आपके दो पेपर है, एक है आपका पेपर वन जो कि सामान्य अध्ययन का पेपर है, दूसरा है पेपर टू जो कि सीसेट का पेपर है। पेपर वन जो कि स्कोरिंग रहता है, पेपर टू जो कि क्वालिफाई रहता है। यानी पेपर वन के आपके मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा, और जो आपके पेपर टू है उसे केवल क्वालिफाई करना है। जब तक आप पेपर टू को क्वालिफाई नहीं करेंगे, आपका पेपर वन चेक नहीं होगा। समझिएगा, पीएससी में एक राइट क्वेश्चन, टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहते हैं, एक राइट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। देखिए, 100 क्वेश्चन पूछेगा हर एक पेपर में, 100 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, 200 मार्क्स के आपके पेपर होंगे। ठीक, देखिए, एक राइट अटेम्प्ट, एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 2 मार्क्स मिलेगा, जबकि रॉन्ग अटेम्प्ट करने पे आपके 2/3 मार्क्स आपके काट दिए जाएंगे। समझिएगा, पीएससी के नोटिफिकेशन में लिखा रहता है कि जो है एक तिहाई मार्क्स काट दिए जाएंगे। एक तिहाई मार्क्स काट दिए जाएंगे मतलब ये होता है कि जो आपके जो उसका प्रश्न का जो आपका निर्धारित अंक है, जो प्रश्न को सॉल्व करने पर जो अंक आपको मिलेगा, उसी अंक का एक तिहाई काटा जाएगा। कई लोग क्या करते हैं कि इसको 1/3 समझते हैं, ये 1/3 नहीं, 2/3 होगा। क्यों? क्योंकि वो जो आपका क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, तो उस 2 मार्क्स के क्वेश्चन का आपका 1/3, ठीक, 2 × 1/3, यानी 2/3 मार्क्स इसमें कट होते हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स यदि हम कैलकुलेशन की बात करें तो ये होता है 2R, यानी 2 × right attempt − 2/3 × wrong attempt। ठीक, देखिए, फिर आता है आपका क्वालिफाइंग मार्क्स, ये रहता है जनरल कैटेगरी के लिए 33% और बाकी ओबीसी की बात करें तो 23% और एसटीएससी की बात करें तो उसमें से 5% और कम कर दीजिए। लेकिन इस क्वालिफाइंग मार्क्स का कोई मतलब नहीं रहता। मतलब इसलिए नहीं रहता कि अगर इन फ्यूचर पीएससी अगर प्री का रिजल्ट जारी करता है तो जो लोग ये क्वालिफाइंग मार्क्स क्रॉस किए रहेंगे, यानी 33% जिन लोगों के पेपर में आ रहे हैं, पेपर वन में या पेपर टू में, केवल उन्हीं के रिजल्ट पीएससी शो करेगा। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने 33% जो मार्क्स है या 33% जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये बस एक बेस लाइन है, इसे समझ के चलिएगा। देखिए, अगर सबसे पहले हम थोड़ा पेपर के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, इसे समझिएगा। जैसे हमारा जो पेपर वन है और आपका पेपर टू है, पेपर वन में आप जितने भी मार्क्स लाएंगे इसके आधार पर आपका जो है रिजल्ट डिसाइड होगा। बाकी जो पेपर टू है, पेपर टू को पास करने के लिए आपको 33% मार्क्स लाने जरूरी है। यदि हम मार्क्स की बात करें तो लगभग आपको 66 अंक लाना कंपलसरी है आपको सी सेट के पेपर में, यानी 33 क्वेश्चन आपके सही अटेम्प्ट होने चाहिए। ठीक,
और यदि हम पेपर टू की बात पेपर वन की बात करें तो पेपर वन में आप जितना अटैम्प्ट कर सकते हैं आपके लिए अच्छा है। अब समझिएगा, जो आपका पेपर वन है उसमें 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में से पहला जो 50 क्वेश्चन है वो आपका छत्तीसगढ़ का रहता है और बाकी के जो 50 क्वेश्चन है वो आपके रेस्ट जीएस के रहते हैं। ठीक, अब जो छत्तीसगढ़ का जो 50 क्वेश्चन है, इस छत्तीसगढ़ के 50 क्वेश्चन में छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री, छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी, छत्तीसगढ़ का जनजाति, छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति, साहित्य, व्यक्ति परिचय, ये सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड रहते हैं। लेकिन पीएससी कभी भी ऐसे क्लासिफाइड फॉर्म में क्वेश्चन कभी नहीं पूछता। जैसे लिखा हुआ है कि जो 50 प्रश्न है वो आपके छत्तीसगढ़ के जीएस पोर्शन से पूछे जाएंगे, लेकिन कभी भी ये नहीं रहता कि हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन आएंगे, जियोग्राफी से 10 क्वेश्चन आएंगे, आपके जो जनजाति है उससे 5 क्वेश्चन आएंगे, ऐसे कभी भी फिक्स नहीं रहता। यदि हम पिछले 4-5 साल के पेपर का यदि हम एनालिसिस करें तो 2015 में पीएससी ने इस 50 क्वेश्चन के जो छत्तीसगढ़ के नाम पर 2015 पीएससी में उसने पूरा का पूरा ग्राम पंचायत भर दिए थे 50 क्वेश्चन में, 16 पीएससी में उसने पूरा का पूरा नगरीय निकाय भर दिया, 17 पीएससी में उसने पूरा का पूरा आपका आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे भर दिया, 2018 थोड़ा बैलेंस पेपर आया था। ठीक, तो ये जो 50 क्वेश्चन है जो कहा जाता है कि पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ का सिलेबस इसके अंतर्गत कवर होगा, यानी हिस्ट्री, जियोग्राफी, आपका जनजाति, आपका कल्चर, ये सारी चीजें कवर होगी ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऐसे कभी आयोग निर्धारित फॉर्म में, निर्धारित पैटर्न में ऐसे अभी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है पिछले 4-5 सालों से। ठीक, यदि हम बात करें जैसे ग्राम पंचायत की बात करें, ग्राम पंचायत कॉन्स्टिट्यूशन का भी सब्जेक्ट है, लेकिन वो ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय को छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में पूछता है और उसी को 50 क्वेश्चन जो है वो उसको छत्तीसगढ़ वाले पोर्शन में पूछ देता है। समझिएगा, अब जब लोग तैयारी करने बैठते हैं तो उनका मेन फोकस रहता है छत्तीसगढ़ के इस 50 प्रश्न पर, ये चीज़ आयोग को भी मालूम है। ठीक, और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपके स्टूडेंट जो घूमते हैं वो रहता है इसी 50 प्रश्न में। ठीक, छत्तीसगढ़ के देखिए हमारे पास सोर्स अवेलेबल है, लेकिन कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं जिसके आंसर हमें पता नहीं रहते। ठीक, देखिए सबका मेन फोकस है आपका छत्तीसगढ़, पीएससी का नोटिफिकेशन आया, सबका मेन फोकस रहता है कि कुछ अपडेटेड बुक मिल जाए जिसमें ये हमारा छत्तीसगढ़ का स्पेशली सिलेबस कवर हो जाए। ग्राम पंचायत पढ़ेंगे, नगरीय निकाय पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री, छत्तीसगढ़ जियोग्राफी, जनजाति पढ़ेंगे, ठीक है, छत्तीसगढ़ का कल्चर पढ़ेंगे, पूरा छत्तीसगढ़ पढ़ के ख़त्म। किसके लिए? केवल ये 50 क्वेश्चन के लिए। बाकी के जो रेस्ट आपका ये जो जनरल स्टडी का सब्जेक्ट है, जो आपके इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो इंडियन इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर, मिसलेनियस, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। सेम कंडीशन होता है इसके साथ पेपर नंबर 2। मैथ्स रीजनिंग मालूम है कमजोर है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई मैथ्स रीजनिंग पर ध्यान नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये स्कोरिंग नहीं है, इसमें केवल क्वालिफाई करना है। ठीक है, और इसी चक्कर में इस चीज़ को हल्के में लेते हैं और इसमें भी आपके 66 मार्क्स यानी 33 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाते और पेपर से पहले ही बाहर हो जाते हैं। ठीक है, समझिएगा, देखिए ये जो 50 क्वेश्चन है, ये 50 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे पीएससी, देखिए ये जो है, ये जो आपके बाकी जो जनरल स्टडी के, देखिए 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के हैं, 50 क्वेश्चन इंडियन के जनरल स्टडी से आएगा, बाकी जो आपके भारतीय जो आपका सामान्य अध्ययन है, जैसे मैंने कहा आपका भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, भारतीय अर्थशास्त्र, संविधान है ना, ये वाले क्वेश्चन से आएगा। समझिएगा, जैसे यदि हम इंडियन आपके जनरल स्टडी की बात करें तो इसमें भारतीय इतिहास है, जैसे प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। यदि हम प्री को टारगेट करते हुए यदि हम पढ़ रहे हैं तो आपका मेन फोकस होना चाहिए आपका प्राचीन भारत के इतिहास पे और आधुनिक भारत के इतिहास पर। मैक्स टू मैक्स जो क्वेश्चन पूछता है वो आधुनिक भारत के इतिहास से पूछता है, मध्य भारत के इतिहास से भी पूछता है, लेकिन उसमें क्या है, उसमें या तो स्थापत्य कला यानी कौन सी बिल्डिंग कहाँ पर है, ठीक है, या तो फिर उनकी रचनाओं को पूछता है, जैसे दारा सिको की रचना कौन सी है, तो उनके लिटरेचर से और उनके बिल्डिंग से वहां से वो मेन प्रश्न पूछता है मध्य भारत के इतिहास से। बाकी जो आपके आंदोलन है, जैसे आपका जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया, उसका जो आंदोलन हो गए, जो आपके नेशनल मूवमेंट्स हुए हैं, उनसे मेन आपका क्वेश्चन पूछता है ये। ठीक है, अब समझिएगा, ये जो 30 क्वेश्चन है, ये 30 क्वेश्चन में आपकी ये चारों पोर्शन कवर हो जाते हैं। देखिए ये संविधान है, संविधान में मैं यहां पे ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय को काउंट नहीं कर रहा हूं, वो इसी के अंतर्गत काउंट है। उसके बाद आता है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में समझिएगा मात्र 5 क्वेश्चन आते हैं और काफी इजी रहते हैं।
पांच क्वेश्चन आते हैं जो कि मैं जो अभी तक जो आपका पीएससी प्रश्न पूछ रहा है वो आपके एप्लीकेशन से पूछता है, यानी उपयोग से पूछता है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो डेली लाइफ में उपयोग है उससे प्रश्न पूछता है। जैसे आपका दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, मानव नेत्र, ठीक है, जो आपके रोग होते हैं जीवाणु विषाणु से जनित जो रोग है उससे पूछता है। इसमें कभी डीप में जाकर के नहीं पूछता, एकदम बेसिक ऊपर ऊपर क्वेश्चन पूछता है और ये काफ़ी ईजी होता है, यदि आप पढ़े रहेंगे तो बन जाते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, ये जो आपके 50 क्वेश्चन पे ही लोग आपके इसी के लिए ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा प्रिपेयर रहते हैं, इस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता। बाकी नेक्स्ट है आपका जो 10 क्वेश्चन है वो आपके करंट अफेयर से आता है, आपका नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर और आपका छत्तीसगढ़ करंट अफेयर। लोगों का मेन फोकस होता है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर पे, नेशनल इंटरनेशनल पे कोई ध्यान देता नहीं है। नेशनल इंटरनेशनल देखिए 10 क्वेश्चन यदि आ रहा है तो उसमें से दो क्वेश्चन आपके केवल छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर रहेंगे, बाकी 8 जो क्वेश्चन है वो आपके नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर रहेंगे। उसमें कुछ गवर्नमेंट की न्यू जो आपकी न्यू आपकी योजनाएँ आई है, जो नई योजनाएँ आए हैं वो भी इसमें शामिल रहते हैं। बाकी जो नीचे है वो है आपका मिसलेनियस यानी विविध, जिसके 5 प्रश्न रहेंगे जो कि आपकी कला संस्कृति, ठीक है, कला संस्कृति दर्शन ये इस पोर्शन से आते हैं। अब समझिएगा एक चीज को, हमारा मेन टारगेट क्या होता है, पेपर को स्कोर करना, ठीक, पेपर को स्कोर करना हमारा मेन टारगेट रहता है। यदि हम पिछले साल के यदि कट ऑफ मार्क्स की बात करें तो जनरल कैटेगरी का देखिए, ये तो क्वालिफाइंग मार्क्स था जो कि हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है, ये यूजलेस रहता है, ठीक है। आप क्वालिफाइंग मार्क्स अगर क्रॉस भी कर लेंगे तो भी आप मेंस में अपेयर होंगे नहीं होंगे, ये डिपेंड करेगा आपके इसके स्कोर पर, ठीक। अब समझिएगा जो पिछले साल जो सिलेक्शन हुआ है उसमें जनरल कैटेगरी जो है वो 65% के आसपास, जो जिन्होंने 65% से अधिक मार्क्स लाए हैं उनका सिलेक्शन हुआ है जनरल कैटेगरी में, यानी लगभग 130 से अधिक अंक जिसके आए हैं वो आपके मेंस में अपेयर हुए हैं। यदि हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का आपका 62-63+ रहा है, और बाकी यदि हम एसटीएससी दोनों की बात करें तो 45-50% में आपके एसटीएससी कैटेगरी के लोग मेंस में अपेयर हुए हैं, ठीक। तो देखिए यदि हम पिछले 4-5 साल का एनालिसिस करें पीएससी का, 2013 से लेकर के अगर 2018 तक के एग्ज़ाम की यदि हम बात करें तो जो हमारे 2018 यानी जो लास्ट ईयर जो आपके एग्ज़ाम हुए पीएससी प्री के उसको यदि हम छोड़ दें तो उससे पहले जो भी सिलेक्शन हुए हैं उसमें जनरल कैटेगरी ने यदि आपके 45% क्रॉस किया है, 45% यदि उसने क्रॉस किया है, ठीक है, यानी उसने यदि 90 अंक लाए हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन आप सभी को मालूम है पीएससी ने लास्ट ईयर पैटर्न चेंज किया, पैटर्न चेंज किया इन द सेंस उसने 5 ऑप्शन के जगह 4 ऑप्शन कर दिए और जो आपके 50% निगेटिव मार्क था उसको आपका 1/3 कर दिया। तो होता क्या है कि जहां आपके 5 के जगह 4 ऑप्शन हुए तो लोगों जो है थोड़े रिस्क लेकर के अगर किसी क्वेश्चन में डाउट भी है तो लोगों ने मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का रखा उन्होंने। देखिए क्या होता है कि आप कुछ भी चीज़ पढ़े रहते हैं और आपके सामने यदि 5 ऑप्शन है जिसमें से एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट रहता है तो इनमें से कोई नहीं के कारण आप वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते आ रहे थे आपके पिछले साल के पेपर से पहले तक। क्यों? क्योंकि जो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है वो आपके डाउट का जो दायरा है वहीं पर सीमित कर देता था, मतलब आपको कंफ्यूजन रहता ही कि हो सकता है, क्योंकि होते भी थे पीएससी के जो आपके देखे होंगे जो आपके 2017 तक के जो पेपर हुए हैं उसमें बहुत सारे ऑप्शन लगभग 10 से 12 प्रश्न ऐसे रहते थे जिसका ऑप्शन ई रहता था, इनमें से कोई नहीं, तो उस कारण से लोग आपके रिस्क लेके क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन मैक्स टू मैक्स हट गया है, 1 या 2 प्रश्न में ही रहता है, एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, चारों में से एक ना एक तो आंसर होगा ही, अगर हल्का सा भी लग रहा है कि ये आंसर है तो लोग टिक मार्क करके आगे बढ़े। यही कारण है कि जो पिछले साल है आपका ये जो है जो सिलेक्शन का जो जोन है जो सेफ जोन है वो काफ़ी ऊपर हो गया। उसका मेन कारण था आपका ऑप्शन का 4 होना और जो निगेटिव मार्किंग है वो आपका 1/3 होना, ठीक है। अब एक चीज़ को समझिएगा, जैसे कि मैंने कहा कि अगर जैसे ही नोटिफिकेशन आया तो सब के सब क्या करेंगे, मार्केट में जाएंगे कुछ ऐसा बुक ढूंढेंगे जिसमें हमको छत्तीसगढ़ का मिले, किसी बुक डिपो में जाएंगे भैया छत्तीसगढ़ का कोई न्यू अपडेटेड बुक दीजिए, ये क्या करेंगे, इनका मेन दायरा रहता है ये 50 क्वेश्चन। यदि किसी की अच्छे से भी तैयारी है तो लिख के ले लीजिए इस 50 क्वेश्चन में से उसमें वो मैक्स टू मैक्स 30 क्वेश्चन यानी 30 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाएंगे, समझ रहे, मैक्स टू मैक्स 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। यदि हम पिछले साल की यदि हम बात करें तो इसमें आपको चाहिए 65, देखिए 65% मैं जनरल कैटेगरी का लेते हुए चल रहा हूँ, यदि हमको 65 क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट करने हैं
आप लोग का मेन जो दायरा रहता है वो रहता है आपका छत्तीसगढ़, ठीक, इसमें किसी का ध्यान नहीं जाता। अगर हमको सिलेक्शन चाहिए तो देखिए, अगर आपकी तैयारी अच्छी भी है तो आप इसमें से 30 क्वेश्चन कर सकते हैं। इसका यदि आप फोकस कर रहे हैं तो जैसे इसमें मान लीजिए आपका 30 क्वेश्चन का ये है, इसमें से आप 20 क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट कर लिए, ये 5 क्वेश्चन का है तो इसमें से मान लीजिए आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर का है, इसमें से 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 5 क्वेश्चन मिसलेनियस है तो इसमें से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। तो देखिए कितना हो रहा है, ये हो गया आपका 50, ये हो गया 60 और ये हो गया 63, लगभग 63 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए। हर कैटेगरी की लोग की बात कर रहा हूं मैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो यदि देखिए 50 में से आपने इसमें 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, इंडियन जनरल स्टडी में आपने 30 में से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, साइंस टेक्नोलॉजी में 5 में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, करंट अफेयर में से 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और मिसलेनियस में से आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तो ये हो गया आपका 50, ये हो गया 60 और ये 63। कितना था लास्ट ईयर आपका जनरल कैटेगरी का मार्क्स, वो था आपका 65 क्वेश्चन यदि राइट अटेम्प्ट किए हैं, यानी 130 के आसपास यदि उसने सही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, 130 मार्क्स यदि उसने लाया है तो उसका वो मेंस में अपेयर हुए थे, ठीक है। इससे थोड़ा और भी आगे गया था, 131-32 के आसपास सिलेक्शन हुए थे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, ये जो छत्तीसगढ़ पे मेन फोकस मत रहिए। कई लोग को मैं बता रहा हूँ, कई लोग के मेरे पास कॉल आते हैं, उनका अधिकतर क्वेश्चन कहाँ रहेगा, छत्तीसगढ़ के लिए क्या पढ़े, इंडियन हिस्ट्री के लिए क्या पढ़े, इंडियन जियोग्राफी के लिए क्या पढ़े, इकोनॉमिक्स के लिए क्या पढ़े, संविधान के लिए क्या पढ़े, साइंस टेक्नोलॉजी करंट अफेयर मिसलिनियस पे किसी का ध्यान नहीं जाता। जब कभी भी पेपर टफ आता है तो लोगों को बचाने के लिए ये लास्ट के जो तीन है यही पोर्शन लोगों को बचाते हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ 2017 पेपर की, जब आपके अनएक्सपेक्टेड था कि आपके इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आए, उससे पहले कोई इकोनॉमिक सर्वे का तैयारी नहीं करता था, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे का तैयारी कब से चालू हुआ, 2017 के बाद से। तो जब इकोनॉमिक सर्वे आया और उस समय लोग उतनी तैयारी नहीं करते थे, इकोनॉमिक्स का डाटा याद नहीं करते थे, लेकिन हाँ उनकी तैयारी, जिन लोगों ने साइंस टेक का तैयारी कर रखा था, करंट अफेयर का तैयारी कर रखा था, बाकी मिसलेनियस का क्वेश्चन की तैयारी कर रखे थे, वे आपके मेंस के लिए अपेयर हुए थे, ठीक। क्यों? क्योंकि 50 क्वेश्चन तो डूब गया, पूरा का पूरा 50 क्वेश्चन था वो आपके इकोनॉमिक सर्वे से आ गया, 50 लगभग 40 के आसपास क्वेश्चन आए थे, उस समय कोई मेंटली प्रिपेयर नहीं था आपके इकोनॉमिक सर्वे के लिए। तो जहां ये जो छोटे छोटे सब्जेक्ट है, हमको क्या लगता है ये 5 क्वेश्चन आएंगे इसको छोड़ देते हैं, इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 में से 5 क्वेश्चन बना लेंगे, इसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम मेन तैयारी कर रहे हैं इस 50 क्वेश्चन का। लेकिन यही 50 क्वेश्चन हर साल फंसाता है, ये सभी को मालूम है। अब बात करते हैं, यदि हम इस साल के एग्जाम में क्या पढ़ना चाहिए इसकी बात करें तो समझिएगा, मेन अभी जो लोगों का फोकस है ग्राम पंचायत नगरीय निकाय, ग्राम पंचायत नगरीय निकाय, बस ग्राम पंचायत नगरीय निकाय के ऊपर भिड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि बाकी आपका जो है छत्तीसगढ़ के 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लिए हैं, बचा है ग्राम पंचायत नगरीय निकाय का। लेकिन जहां तक है कि इस साल आपके ग्राम पंचायत नगरीय निकाय से क्वेश्चन नहीं आएंगे, देखिए उसके दो तीन का, मैं ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा होगा मैं नहीं बोल रहा हूँ, पढ़ाई नहीं करना है ग्राम पंचायत नगरीय निकाय का ये भी नहीं बोल रहा हूँ, पढ़ना है जरूर पढ़ना है, लेकिन देखिए पीएससी एक साल में सेम सिलेबस रिपीट नहीं करता। देखिए इस साल क्या हुआ है, आपके ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं, हमारी जो नई प्रदेश सरकार बनकर के आई है उसने काफ़ी निर्णय लिए हैं, काफ़ी अध्यादेश जारी करके काफ़ी चेंजेस किए, जैसे महापौर चुनाव जो कि प्रत्यक्ष होता था उसे अप्रत्यक्ष कर दिया है, महापौर की जो आयु है उसे कम कर दिया है। तो जिस साल इतने सारे चेंजेस होते हैं तो ऑथेंटिक सोर्स किसी के पास अवेलेबल नहीं होता, जिसके कारण पीएससी उस साल ऐसे प्रश्नों को पूछता ही नहीं है, पूछेगा बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, जैसे महापौर के जो उम्मीदवार है उसे चुनाव लड़ने की जो आयु सीमा है वो कितनी है, जैसे अभी चेंजेस हुआ है 25 वर्ष हो गया है, ठीक, महापौर चुनाव प्रत्यक्ष होगा अप्रत्यक्ष होगा, तो ये अप्रत्यक्ष होगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है करंट इशू से, लेकिन जितना डीप में जाके पूछता था वो नहीं पूछेगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। दूसरा रीजन ये भी है कि आपको मालूम होगा कि इस साल अप्रैल मार्च अप्रैल में आपके सीएमओ के एग्जाम हुए थे, सीएमओ के एग्जाम में सीजीपीएससी कंडक्ट कराया था और सीजीपीएससी ने ऑलरेडी सीएमओ के एग्जाम में आपका ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय से क्वेश्चन पूछ चुका है वो, ठीक, उसमें भी कम से कम 20 से 25 या 30 क्वेश्चन के आसपास उसने ग्राम पंचायत नगरीय निकाय पूछा है, मतलब वो जो सीएमओ का पेपर है वो पूरा ग्राम पंचायत नगरीय निकाय के ऊपर फोकस था। तो यही होता है कि एक साल में जो पीएससी है सेम पैटर्न रिपीट नहीं करता है,
कर भी सकता है ऐसा कोई है नहीं, लेकिन इस ग्राम पंचायत नगरी निकाय की तैयारी के चक्कर में जो आपके इंडियन हिस्ट्री है ये काफ़ी कभी ज़्यादा डीप में जा करके नहीं पूछता, डीप में जाके पूछता है ये छत्तीसगढ़ को, लेकिन जो बेसिक पूछता है ना बेसिक यहाँ पूछता है। इकोनॉमिक सर्वे को पढ़िए, इकोनॉमिक सर्वे से डाटा आएगा, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री पढ़िए, इंडियन जियोग्राफी पढ़िए, साइंस टेक्नोलॉजी पढ़िए, जैसे मैंने बताया बेसिक एप्लीकेशन से आता है, लेंस का उपयोग से आता है, ठीक है। जैसे कार में जो आपके साइड मिरर लगे होते हैं उसमें कौन से लेंस का कौन से आपके मिरर का उपयोग होता है, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं एप्लीकेशन वाले से, साइंस टेक से। करंट अफेयर का पढ़िए, करंट अफेयर में देखिए, अब जैसे मैं बात करूँ अभी आपका संविधान का, संविधान में मेन फोकस क्या करना है, संविधान में ग्राम पंचायत नगरी निकाय के भरोसे मत रहिए। इस साल जो है जैसे लास्ट ईयर आपकी विधानसभा चुनाव हुए, इस साल आपके लोकसभा चुनाव हुए हैं, तो आपके लोकसभा से रिलेटेड संसद के प्रश्न पढ़िए, विधानसभा से रिलेटेड आपके जो आपके विधानसभा चुनाव हुए तो आप विधानसभा के आपके प्रश्न पढ़िए, ठीक है। इस साल जो है जैसे आपका सबरीमाला काफी हाईलाइट में रहा तो मौलिक अधिकार के प्रश्न पढ़िए। अभी आपका जो आपका नागरिकता संशोधन बिल आया है तो उससे रिलेटेड जो आपका सेकंड अध्याय है संविधान का, यानी कि पूरा पूरा नागरिकता वाला अध्याय है, उसको पढ़िए। ये चीजें देखिए जो करंट इशू चल रहा है उससे रिलेटेड ही प्रश्न आएंगे, ऐसा नहीं कि करंट अफेयर में उठा के पूछेगा, जो करंट इशू चल रहा है उससे रिलेटेड आएंगे। जैसे नागरिकता संशोधन बिल आया है तो उससे रिलेटेड संविधान का अध्याय कौन सा है, अध्याय 2 चैप्टर 2, उसको पूरा अच्छे से तैयारी करके रखिए। लास्ट ईयर संसद का चुनाव हुआ मतलब आपका जो लोकसभा का चुनाव हुआ तो लोकसभा से रिलेटेड संसद का पढ़िए, विधानसभा चुनाव हुआ जैसे कांग्रेस सरकार बनकर के आई है हमारे प्रदेश में तो विधानसभा का आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, महाराष्ट्र में जैसे राष्ट्रपति शासन लागू हो रहा है तो आप राष्ट्रपति को पढ़िए, राज्यपाल की भूमिका को पढ़िए, ऐसे चीजों को पढ़िए। अध्यादेश, अध्यादेश वर्ड बहुत बार यूज हो रहा है तो राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति आपके किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, उस अध्यादेश का दायरा कितना है, कितनी अवधि में उसे लोकसभा के समक्ष उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा, ऐसे प्रश्नों को अभी पढ़िए। ग्राम पंचायत नगरीय निकाय के चक्कर में इस संविधान वाले पोषण को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश मत कीजिएगा वरना बुरी तरीके से फंस जाएंगे। करंट इशू जरूर है लेकिन उस करंट इशू से रिलेटेड ही जनरल स्टडी के क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत नगरीय निकाय पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, पढ़ के खत्म कीजिए, लेकिन उसी चीज को बार बार रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है, एक बार पढ़े खत्म किए, मेन फोकस कीजिए संविधान पे, जो करंट इशू चल रहे उससे जनरल स्टडी के टॉपिक उठाइए उसको पढ़िए, ठीक। अब समझिएगा पेपर नंबर 2 जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स है आपका 33%, ठीक है, यानी आपको 66 मार्क्स लाने पड़ेंगे। मैंने बता दिया 33 क्वेश्चन यदि आप राइट अटेम्प्ट किए जनरल कैटेगरी के लिए, यदि मैं बात करूँ ओबीसी कैटेगरी के लिए तो आपको 23 क्वेश्चन रहता है, एसटीएससी की बात करूँ तो वो लगभग 20-22 के आसपास हो जाता है, 20-22 या 18 के आसपास हो जाता है, ठीक। लेकिन क्या होता है कि लोग स्कोर करने के चक्कर में क्योंकि सभी को मालूम है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट ये है, स्कोर करने के चक्कर में ये चीज़ नहीं करते। दो बैकग्राउंड के लोग है, एक है साइंस मैथ्स बैकग्राउंड वाले, दूसरा आर्ट्स बैकग्राउंड वाले, बस यही चीज़ चलता है। आर्ट्स बैकग्राउंड वालों का ये वाला पोर्शन स्ट्रांग है, ठीक है, और जो आपके साइंस बैकग्राउंड वालों का मैथ्स रीजनिंग स्ट्रांग है, लेकिन प्लानिंग करके चलेंगे तो सबका सिलेक्शन हो सकता है। जब आर्ट्स बैकग्राउंड वालों को मालूम है कि उनका मैथ्स रीजनिंग कमज़ोर है और ये भी चीज़ मालूम है कि यदि वो 33 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, 33 क्वेश्चन यदि वो अटैम्प्ट करते हैं तो उनका ये पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन जो चीज़ वो पढ़ते आ रहे हैं केवल उसी चीज़ को पढ़ेंगे, इस चीज़ को वो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आर्ट्स बैकग्राउंड वालों का मैथ्स और रीजनिंग कमज़ोर है, मान लीजिए इसको मैं हटा भी देता हूँ, ठीक है, ये मैथ्स और रीजनिंग से आपका लगभग 80 प्रश्न आता है, यानी 75 से 80 प्रश्न के आसपास इसमें पूछता है, वहीं आपका हिंदी और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज से लगभग 20 से 25 प्रश्न पूछता है। क्वालिफाई करने के लिए कितना चाहिए, 33 क्वेश्चन राइट अटैम्प्ट होने चाहिए। देखिए हिंदी ये, अब आपके मैथ्स रीजनिंग कमज़ोर है लेकिन आपका हिंदी और छत्तीसगढ़ी तो सही है, तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जिनका मैथ्स रीजनिंग कमजोर है वो कभी भी पेपर सॉल्व करने बैठेंगे, पीएससी का स्पेशली, पीएससी का पेपर नंबर 2, सीसेट का पेपर अगर वो सॉल्व करने बैठे हैं तो कभी भी पेपर को स्टार्टिंग से सॉल्व करने का कोशिश मत कीजिएगा। ये जो आपका हिंदी और छत्तीसगढ़ी बोली है ये सबसे एंड में होते हैं, तो जिनका मैथ्स रीजनिंग कमजोर है वो पेपर को पलट करके 100 नंबर क्वेश्चन से उल्टा सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। लास्ट के 20-25 क्वेश्चन ही आपके हिंदी और छत्तीसगढ़ी के रहते हैं, ठीक, तो पहले इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। अगर इसमें से 20 से 25 क्वेश्चन आता है, मान लीजिए 25 क्वेश्चन आ रहा है, तो 25 में से कम 20 क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट होने चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि ये आपका पोर्शन कमजोर है, तो आपकी तैयारी इतनी होनी चाहिए कि आप जो है ये दोनों में से यदि इसमें 25 प्रश्न पूछ रहा है तो इसमें 20 क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट कर सके,
अब किसी का मैथ्स और रीजनिंग इतना भी तो कमजोर नहीं हो सकता। कुछ इजी प्रश्न भी आते हैं, जैसे प्रॉब्लम ऑफ ट्रेन आते हैं, वर्क यानी काम से आते हैं, आपके रीजनिंग में बहुत आसान आसान प्रश्न आते हैं, जैसे दिशा संबंधित प्रश्न आते हैं, घड़ी की सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बन रहा है, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो इतने इजी प्रश्न, जैसे 10 क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कितना चाहिए 13, तो 13 क्वेश्चन इजी राइट अटेम्प्ट हो सकता है उस कंडीशन में भी। यदि आप कैटेगरी वाइज है तो कैटेगरी वाइज, यदि आप ओबीसी कैटेगरी में है तो मात्र आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जनरल कैटेगरी में तो आपको एक्स्ट्रा 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, सिलेक्शन हो जाते हैं। लेकिन क्या करते हैं लोग, स्टार्टिंग से पेपर सॉल्व करना चालू करेंगे, मैथ सॉल्व करेंगे, रीजनिंग सॉल्व करेंगे, 2 घंटे का समय रहता है। समय कैसे निकलता है, देखिए पेपर वन में जो 2 घंटे का समय है वो इतना समय रहता है कि आप उस 2 घंटे के समय में उसी पेपर को 3 बार सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये जो 2 घंटे का समय है ये काफ़ी कम पड़ जाता है। उस चक्कर में क्या करते हैं, शुरू से आपका सॉल्व करना चालू करते हैं और लास्ट के जो इजी पोर्शन रहता है, हिंदी व्याकरण एकदम ईजी आता है, छत्तीसगढ़ में जो आपको पूछता है कि छत्तीसगढ़ का जो ये शब्द है, इस छत्तीसगढ़ी शब्द का हिंदी मतलब क्या है, आप कहीं ना कहीं सुने रहेंगे, ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एक ना एक ऑप्शन आप उसमें अज्यूम करके भी उसका आंसर लगा सकते हैं, इतना इजी रहते हैं वो। ठीक, तो इस जो चीज़ मैंने बताया, पेपर को उल्टा सॉल्व करना चालू कीजिएगा, सिलेक्शन हो जाएंगे। इसके चक्कर में, माथा पच्ची करने के चक्कर में, लास्ट का 15 मिनट में इसे सॉल्व करेंगे तो चीज़ें गड़बड़ा जाती है। मेन चीज़ सोचना है, यदि आप मैथ्स रीजनिंग में ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कर पाते तो इसको सोचने में, इसके राइट क्वेश्चन अटैम्प करने पर ज़्यादा अपना टाइम दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब पेपर सॉल्व कैसे करना है ये चीज़ को समझिएगा थोड़ा। जैसे आपका पेपर यदि आप सॉल्व करने बैठे, देखिए मैं हर कैटेगरी के लोगों को टारगेट करते हुए चल रहा हूँ, कुछ लोग फर्स्ट ईयर आपका पीएससी का पेपर देने वाले हैं, कुछ लोग ऑलरेडी 2-3 साल से पीएससी का पेपर देते आ रहे होंगे, लेकिन मैं सबको लेते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा मैं उसके आधार पर बता रहा हूँ कि आप कभी भी पेपर सॉल्व करने बैठते हैं, जैसे मैंने बताया कि जब आप पेपर वन सॉल्व करते हैं तो उसमें केवल थ्योरी पोर्शन रहता है, क्वेश्चन बना तो ठीक, नहीं बना तो सीधा आगे बढ़ने वाली बात रहती है, ऐसे कैलकुलेशन के पीछे माथा पच्ची करने का उसमें समय नहीं रहता। तो आप यदि 2 घंटे के समय में इस 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो 2 घंटे के समय में आप 3 बार पेपर सॉल्व कर सकते हैं, इतना समय रहता है अगर तैयारी सही रही तो। तो देखिए, कभी भी पेपर सॉल्व करने बैठते हैं तो सबसे पहले आप एक नज़र में ऐसे क्वेश्चन को देखिए जो आपसे सॉल्व हो जाते हैं, यानी आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें, उसका क्वेश्चन पढ़े, बिना ऑप्शन देखिए आपके माइंड में उसका आंसर आ गया। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को पहले सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1, हाँ इसका आंसर मेरे को पता है, 2 इसका आंसर पता है, 3 का नहीं पता, 4 का नहीं पता, 5 का नहीं पता, 6 का नहीं पता, 7 का नहीं पता, 8 का नहीं पता, सीधा 10वां नंबर क्वेश्चन मेरे को पता है। तो ऐसे बीच में से जब आप एक नज़र में पेपर सॉल्व करेंगे तो स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट में ही आप पहली नज़र में जब आप पेपर सॉल्व करने बैठेंगे तो आपके 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एक ही नज़र में बन जाएंगे। उसके बाद दूसरे बार फिर से पेपर को स्टार्टिंग से पढ़िए, देखिए जब आपने पहली बार पेपर पूरा पढ़ लिया और आपके 20 क्वेश्चन यदि आपने अटेम्प्ट कर लिया या 15 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया तो सबसे पहला काम है कि आप उसे बबल में फिल कीजिए। शुरू में समय बहुत रहता है, जहाँ गलती होती है वो बबल फिल करने में होती है। लोग क्या करते हैं, पहले पूरा पेपर सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट में बचा के रखते हैं बबल फिल करने के लिए, लास्ट में जब समय नहीं रहता तो वहाँ बबल फिल करने में गलतियाँ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 55 का बबल फिल करने के चक्कर में 56 कर देते हैं, 56 की जगह 57 कर देते हैं, लाइन से पूरा सिक्वेंस बिगड़ जाता है। तो शुरू में यदि आपसे 15-20 क्वेश्चन अटैम्प हुआ तो पहले 15-20 क्वेश्चन के आप बबल्स फिल करके फिर साइड कर दीजिए। दूसरी बार जब पेपर सॉल्व करने चालू करेंगे तो उसमें पूरे क्वेश्चन भी पढ़िए, उसके 4 ऑप्शन भी पढ़िए, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है जिसके एक लाइन के प्रश्न हैं, सिंगल छोटे छोटे उसके ऑप्शन हैं। कथन आधारित प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है असत्य है, कूट आधारित प्रश्न को सेकेंड बार में सॉल्व नहीं करना है, केवल क्वेश्चन पढ़ना है, 4 ऑप्शन देखना है, ऑप्शन देख के आंसर याद आया ठीक, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, पहला फिर उसके बाद सॉल्व हुआ, दूसरा सॉल्व हुआ, तीसरा सॉल्व हुआ, ऐसे करते करते पूरे 100 क्वेश्चन तक आपको सेकंड बार में पहुंचना है। स्किप क्या करना है, कूट आधारित प्रश्न, सत्य असत्य कथन वाले प्रश्न जो कि लॉन्ग स्टेटमेंट वाले प्रश्न रहते हैं उसे हाथ भी नहीं लगाना है। तो जब आप सेकंड बार सॉल्व करके आएंगे तो आपके कम से कम 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाए रहेंगे। ठीक, फिर आता है, फिर ये जो 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट होगा, पहले के 20 क्वेश्चन अभी के 20 क्वेश्चन टोटल 40, तो जो बाकी बचे हुए 20 क्वेश्चन है उसके बबल फिर से फिल कर लीजिए। फिर आता है लास्ट में जब आप करेंगे तो फिर कथन आधारित जो प्रश्न है, कूट आधारित प्रश्न है, कूट आधारित प्रश्न जो अक्सर आता है आपके ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रश्न, कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन में अधिकतर आपका कूट आधारित प्रश्न और कथन आधारित प्रश्न आता है, छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री में सत्य असत्य कथन वाले प्रश्न आते हैं,
तो अब जब आपका एक घंटे में 40 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया है, तो बचे हुए एक घंटे में आपका इतना सफिशियंट समय रहता है कि आप पेपर को इत्मीनान से भी सॉल्व करेंगे तो आप नेक्स्ट आप 20 क्वेश्चन फिर से अटेम्प्ट कर लेंगे। लेकिन क्या होगा कि अब देखिए लास्ट 20 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया, टोटल 60 क्वेश्चन हो गए, हमको कितना क्रॉस करना है? मैं अगर जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं तो 65 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, थोड़ा बहुत और पुश करेंगे तो 65 तक भी पहुंच जाएंगे। ठीक, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पेपर को सॉल्व करते करते उसका बबल भी फिल करते चलिएगा। लोग पहले पूरा पेपर सॉल्व कर लेते हैं, वहीं पे कचरा करते हैं, एक साथ बबल फिल करने के चक्कर में कहीं एक क्वेश्चन में भी यदि आगे पीछे हुआ तो पूरा का पूरा आंसर शीट आपका पूरा यूजलेस हो जाएगा, आप वैसे ही बाहर हो जाएंगे। कभी भी क्वेश्चन पेपर को एकदम सिक्वेंस से सॉल्व करते मत चलिए, नहीं बन रहा है छोड़ दीजिए, उस क्वेश्चन को लास्ट के लिए छोड़ दीजिए। जैसे कि मैंने बताया 3 बार पेपर सॉल्व हो जाता है, लास्ट के लिए छोड़ दीजिए। यदि आप किसी भी एक प्रश्न में बैठ करके स्टार्टिंग से ही दिमाग लगाना चालू कर दिए तो यकीन मानिए उस क्वेश्चन के चक्कर में आगे के इजी वाले क्वेश्चन में भी आपका दिमाग खराब हो जाएगा। जो पेपर देने के लिए जो 2 घंटे का समय रहता है, अभी जो जैसे हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है, लोग काफ़ी अच्छे स्कोर करते हैं क्योंकि घर में फ्री माइंड से वो टेस्ट देते हैं, लेकिन जो पेपर देने के लिए जब आप बैठेंगे, जो आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं, उस समय मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। क्वेश्चन सॉल्व करते करते पूरी बॉडी गर्म हो जाती है क्योंकि प्रेशर इतना आ जाता है। तो अगर आप किसी भी एक प्रश्न में यदि आप फंसे तो आगे पूरा का पूरा आप सॉल्व कुछ और कर रहे हैं लेकिन जो पहले प्रश्न में जिसमें आप फंसे हुए थे आपका ध्यान वहीं रह जाएगा, जिसके चक्कर में इजी वाला जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं उस पर भी ध्यान नहीं जाएगा, उसके आंसर पे ही आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आप पहले ही ऑलरेडी कंफ्यूज हो चुके हैं। तो ये गलती मत कीजिएगा। ठीक, सॉल्व करना है आराम से पेपर सॉल्व कीजिएगा, 3 बार सॉल्व कर सकते हैं, इतना सफिशिएंट टाइम है आपके पास। ठीक है, तो ये बताने का मेरा यही था। और दूसरा चीज़, एक चीज़ समझिएगा, कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऑलरेडी 2-3 साल से मेंस देते आ रहा है, प्री निकाल लिया है, वो आपको बोलेगा कि जैसे लास्ट ईयर आपका 65% प्लस गया जनरल कैटेगरी का कट ऑफ मार्क्स, तो इस बार 70% प्लस जाएगा, 80% प्लस जाएगा। ऐसे लोगों से दूरी बना के रखिए। या कोई यूट्यूब चैनल हो गया या कोई कोचिंग सेंटर हो गया, देखिए मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ, हो सकता है उनका पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, लेकिन अगर कोई ऐसे बोल रहा है कि इस साल इतना कट ऑफ मार्क्स जाने वाला है तो वो बेवकूफ़ है। सीधा सीधा इन लोगों से आप दूरी बना लीजिए और ऐसे चैनल से भी दूर रहिए जो आपको पहले से बता रहा है कि इतना कट ऑफ मार्क्स जाने वाला है। कोई भी इंसान बिना पेपर देखे कट ऑफ मार्क्स का अजम्पशन नहीं लगा सकता, कोई कितना भी बड़ा एक्सपर्ट क्यों ना हो। जब तक पेपर हाथ में नहीं आता, पेपर सॉल्व करने बैठते नहीं है, पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन देख नहीं लेते, तब तक कोई भी इंसान आपको कट ऑफ मार्क्स नहीं बता सकता। अगर कोई बता रहा है तो वो आपको भ्रमित कर रहा है और आपका उससे मोरल डाउन होगा और कुछ नहीं होगा। पिछले साल तक सबको लग रहा था जो कट ऑफ मार्क्स है जनरल कैटेगरी का 45% से ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन गया 65%, क्योंकि पेपर बहुत इजी था। हो सकता है जो इस साल जो पेपर होगा उसका लेवल थोड़ा बढ़ा देगा, पिछले साल पेपर इजी आया था तो 65% गया था, इस साल पेपर का लेवल थोड़ा टफ कर दे तो हो सकता है 60% जाए, 50% जाए, या तो फिर जो पिछले 4-5 साल से चलते आया था वैसे 45% ही जाएगा। तो ये 60% क्रॉस करने के चक्कर पे जबरदस्ती के निगेटिव मार्किंग मत कीजिएगा। जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, यकीन मानिए वो बहुत लोगों से सॉल्व नहीं होंगे, लेकिन जबरदस्ती रिस्क लेकर के निगेटिव मार्क करने का कोशिश मत कीजिएगा। जो ऑलरेडी 2-3 साल से पेपर दे रहे हैं, आप लोग खुद को पता है, जैसे ही आप लोग के हाथ में पेपर आता है, जिन लोग को ऑलरेडी एक्सपीरियंस है पेपर देने का, वो पेपर के 1 घंटे बाद ही बता देते हैं कि सर कट ऑफ मार्क्स कितना जाएगा, क्योंकि वो पेपर का लेवल देख करके कट ऑफ मार्क्स निकलता है। कोई पहले से बता नहीं सकता कि कट ऑफ मार्क्स कितना होगा, कोई बता रहा तो बेवकूफ़ है। तो ऐसे लोगों से दूरी बना के रखिए, भ्रमित मत होइए, तैयारी में फोकस कीजिए, छत्तीसगढ़ के पीछे भागिए मत, बाकी जनरल स्टडी के सब्जेक्ट है उस पर भी फोकस कीजिए। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।